काटाफोर नगर की जीवनदायिनी चंद्रकेश्वर नदी पर कुछ ही वर्षों पूर्व करोड़ों की लागत से ब्रिज का निर्माण हुआ, मगर देखते ही देखते उसमें दरारें पड़ने लगी और वो क्षतिग्रस्त हो गया। शासन की मंशा अनुरूप नर्मदा परिक्रमा के हजारों वाहन इसी मार्ग से होकर निकलते हैं, जिसके चलते काटाफोर से नाचन मोड़ सड़क का निर्माण MPRDC के माध्यम से ठेकेदार JBR कंपनी के द्वारा किया गया, मगर करोड़ों की लागत से निर्मित ब्रिज महज कुछ ही वर्षों में क्षतिग्रस्त होना निर्माण कंपनी पर सवालिया निशान है। जबकि पुराने जमाने में एक बार ब्रिज बनता था तो 100 वर्षों तक दरारें तक नहीं आती थी, जिसका प्रमाण आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों के जमाने में बने कई पुल पुलिया जिन पर आज भी आवागमन जारी है। साथ ही चंद्रकेश्वर नदी पर निर्मित ब्रिज जो कि काटाफोर से उदयनगर को जोड़ते हुए इंदौर एवं ओंकारेश्वर को जोड़ता है, जिस पर लगभग 1.5 माह से आवागमन बंद होने से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर के नागरिकों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा इस ब्रिज के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसकी जांच होना चाहिए। अब इस ब्रिज पर फिर से पैच वर्क किया जाकर छत डाली गई है। देखना यह है कि अब कितने वर्ष तक ब्रिज चलेगा। सतवा से जीतू सिंह की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।